मैं बता रहा था आज की शादी है तो भी पास में बिल्कुल, और काम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो भी बस मेरा एग्ज़ाम का टाइम हो चुका है तो मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले गया यहाँ से, हमने एग्ज़ाम देखा था पहले, तो चलते हैं फिर घर पे। और अभी मेरा आज के दिन का फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका कम्प्लीट, आज के एग्ज़ाम का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और अब बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो अभी वो स्टार्ट होगा 11:30 बजे से, तो उसको एकदम कम्प्लीट। और अभी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म किया ये मैंने, और अभी सेकंड स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ी देर क्यों ना गार्डन में चल दिया जाए, और वैसे यहाँ पर थोड़ा काम है, तैयारियाँ चल रही है शादी बहुत नज़दीक, अब एग्ज़ाम दिमाग में आ रहा है यार। ये वापस बैक टू ग्राउंड। सो है गाइस, अभी टाइम हो चुका है 11:23 और मेरा एग्ज़ाम होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी है, तो घर चलते हैं फिर एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी, पहले एग्ज़ाम कंप्लीट होना चाहिए वरना बैक लग जाएगी यार, और वही तो नहीं होना चाहिए। तीन बजे में जा रहा हूँ घर पे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मोस्टली आप खाना खाओ तब तक मैं आता हूँ एग्ज़ाम देके, बाद में बनाएंगे ब्लॉग, और मम्मी का खाना है रेडी ठीक है, और मम्मी पूजा कर रहे हैं भाई। फाइनली मैथ्स का भी कंप्लीट हो गया, काफ़ी मुश्किल से हुआ, टाइम पूरा लगा इसके अंदर, सिर्फ 2 ही मिनट बाकी थे जब मैंने अटैच किया इसको, मेरे एकदम सांसों में सांस आई इसको पूरा अटैच करने के बाद, तब तो इतना स्पीड से पूरी स्पीड लगा दिया तो इतने दिनों बाद आज लगा भाई एग्ज़ाम हुआ है, आज लगा था मैथ्स के पेपर में, बाकी और पेपर में इतना टाइम नहीं लग रहा था, इसमें काफ़ी टाइम लगा एकदम एंड पीक तक दौड़ाया इसने मुझे, सबको क्लास के सभी को। और अभी फाइनली मैं एग्ज़ाम से फ्री हुआ आज के एग्ज़ाम से, तो वापस से बैक टू वर्क। अब बस यही है मऊ, और ये सबसे प्यारा बच्चा हमारी फैमिली का मऊ, इधर देखो। अभी कुछ बोलेगी नहीं ज़्यादा, अरे वाह सीधा लगा ले सीधा। एक तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और अभी टाइम मिला है तो हम लोग आ गए हेयर कट के लिए, क्योंकि फिर ठीक रहेगा, 2-3 दिन पहले करवाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना उस टाइम अचानक से करवाएंगे तो बाल छोटे से ही लगेंगे। और दिखा दूँ आपको, ओह यार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, भैया घर गए हुए हैं जो हमारा हेयर कट करने वाले थे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अमित का नंबर आ चुका है हेयर कट का, कहाँ आ गया, आ गया ना वो भैया, बोल रहे हैं आजा बैठ जाओ, देखो सीट खाली है। तो यार वैसे भी हमको काफ़ी टाइम लग चुका है और हम काफ़ी वेट कर चुके हैं ऑलरेडी, हमसे पहले भी यहाँ थे लोग, तो इस चक्कर में हमें भी काफ़ी वेट करना पड़ गया। हे गाइस, फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था वापस सैलून पे, बहुत ज़्यादा, अंदर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं आर्मी के बेड का मैट लेने, आर्मी ने अभी नया बेड बनवाया था तो उसका नया मैट दिखाता हूँ आपको भी लाके, क्या कहते लेके आए भाई आर्मी के बेड का।
बहुत दिनों बाद आया और मोस्टली ट्रायल करते हुए अच्छा लग रहा है। अच्छे से फसल लेते हैं और ऐसे हम होते फसल लेकर आराम से। आप भी ट्रायल कर लो। ट्रायल क्या मतलब गरम पानी पी लो। सही है बढ़िया। आज हम सभी का खाना एक ही जगह है गार्डन में, तो फिर चलते हैं गार्डन में। तुम खाना खाएंगे सर सारे। बाय। और भाई हम दोनों ने सुबह से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया है और अब बस खाना खाना है। मैं जा रहा हूँ बाय। मोगू चल।